दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का आज दूसरा दिन था। पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा और आज दूसरा दिन काम सुचारू रूप से चल ही रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयान ने सदन में खलबली मचा दी। अपना विरोध प्रकट करने के लिए मंगलवार को भाजपा के विधायक काली पगड़ी बांधकर और काला कपड़ा बांधकर सदन में पहुंचे जरूर थे, लेकिन यहां पर केजरीवाल के बयानों ने सुर्खियां बटोर ली। आइए आज के दिन की पूरी अपडेट आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि दरअसल केजरीवाल ने कहा क्या, जिससे कि चर्चा हो रही है और चर्चा इतनी गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा पहुंचे, कार से सीधे सदन में गए। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए या एक व्यक्ति विशेष की चलनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। बहुत सरकारें आईं और चली गईं। हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार आ जाए, दिल्ली में एलजी हमारा हो, उस दौरान दिल्ली में भाजपा या कांग्रेस की सरकार भी हो सकती है, मगर हमारा एलजी ऐसे काम नहीं करेगा। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं, दिल्ली में 2 करोड़ लोगों ने हमें चुना है। सीएम केजरीवाल हमले के मूड में थे। लगातार केजरीवाल बनाम एलजी की खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन आज सदन में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई, सीएम बनाम एलजी। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अपने बच्चों जैसी शिक्षा दिल्ली के सभी बच्चों को देना चाहता हूं। शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए शिक्षकों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, विदेशों में भी उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। ये पूरा परिवार है, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं, जैसा मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है वैसा ही मैं दिल्ली के बच्चों को शिक्षित करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि टीचर को हम विदेश भेज रहे हैं और हम 30 टीचर को विदेश भेजना चाहते हैं, जब हमारे शिक्षा मंत्री ने कह दिया तो हम भेजेंगे, लेकिन एलजी ने 2 बार आपत्ति दर्ज करा दी। जब हम लाइसेंस बनाने जाते हैं तो बार बार आपत्ति होती है, भ्रष्टाचार की बात की जाती है। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से क्यों रोका जा रहा है? भाजपा और दूसरी पार्टी के नेता के बच्चे विदेश जाते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, उसका विरोध नहीं होता। हम अपने प्रदेश के बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं तो उसके लिए इतनी परेशानी है। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उपराज्यपाल एलजी पर हमलावर दिखे और यहां तक कह दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है उपराज्यपाल साहब। दिल्ली वालों के टैक्स पैसे भेजे जाते हैं, कौन एलजी जो हमारे सिर पर आकर बैठ गया है, दिल्ली सरकार के कार्यों में अड़ंगा डाल रहा है जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है। हम ये तय करेंगे कि हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, एलजी के पास कोई पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 3 मुद्दों के अलावा उनके पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि उपराज्यपाल व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह सेवा कानून व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों के ही निर्णय ले सकते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार लिख दिया है कि एलजी के पास पावर नहीं है, मगर उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान ही नहीं रहे हैं और लगातार दिल्ली की सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। केजरीवाल आज हमले के मूड में थे, एक के बाद एक उनके बयान ऐसे आए कि सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गए। वो कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल राय दी थी, मैं पढ़ने के दौरान टॉपर रहा था, कभी मेरे टीचरों ने मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे उपराज्यपाल साहब मेरी फाइलें चेक कर रहे हैं, जैसे वो मेरे हेडमास्टर हो। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे? एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने के मामले में भी वो आपत्ति जता चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने सब कुछ देख लिया, मैं पहली से 12वीं तक प्रथम आया हूं, मेरे टीचर ने कभी ऐसे जांच नहीं की जैसे एलजी साहब कर रहे हैं। किस धारा में यह कहा गया है कि कास्ट एनालिसिस करवाएंगे? हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर मैं गया था और एलजी सीधे किसी भी विषय पर आदेश दे रहे हैं। सदन में आज अरविंद केजरीवाल के बयानों की खूब चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अनदेखी करके सीधे मुख्य सचिव को आदेश दिए जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली सरकार के बिजली पानी सड़क नाली सभी से जुड़े काम बंद हैं, सबकी पेमेंट रुकी हुई है। उपराज्यपाल लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी पेमेंट हो जाती तो दिल्ली में भाजपा की 20 सीटें भी नहीं आती, इसलिए काम रोक दिया गया और 104 सीटें। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उपराज्यपाल ने कहा कि बीजेपी की 20 सीटें भी नहीं आ रही, उनके कारण 104 सीटें आई। लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटें बीजेपी की ही आएंगी और अगले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ही चुनाव जीतेगी।
भाजपा ने एलजी के साथ मिलकर सारे काम रुकवा दिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास पावर ही नहीं है तो आजादी किस बात की, आजादी की लड़ाई किस लिए, जनतंत्र को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए थी। वैसे देखिए तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब एलजी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल आमने सामने हैं। इससे पहले भी कई सारे मुद्दे आए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर, और केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी कई सारे ऐसे मामले बने जिसमें भी उपराज्यपाल और केजरीवाल आमने सामने दिखाई पड़े। दिल्ली की जिस तरीके की तस्वीर है, निश्चित तौर पर यह टकराव आगे भी देखने मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।